So hello everyone, myself Josh Kutawala, instructor and professional pianist since last 5 years. हम हमारे YouTube चैनल पिक सीरीज पे रेगुलरली नए नए सॉन्ग्स के ट्यूटोरियल लाते रहते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप विथ नोटेशंस एंड कॉर्ड्स। तो आज हम जो सॉन्ग सीखेंगे वो सॉन्ग का नाम है जब सैया फ्रॉम द मूवी, लेटेस्ट मूवी जो अभी तक रिलीज ही नहीं हुई है, जो मूवी का नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी। तो आज इस सॉन्ग को सीखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। ओके, तो हम पहले सबसे पहले चेक कर लेते हैं हम कौन सा स्केल से प्ले करने वाले हैं, कौन सा स्केल यूज हुआ एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्चुअल सॉन्ग में यूज हुआ है वो है एफ माइनर, और हम जो यूज करेंगे हम भी सीखेंगे एफ माइनर से। ठीक है फ्रेंड्स, उसके पहले एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि आपकी रेगुलर कमेंट्स आते रहते हैं, हम व्हाट्सएप पे भी बहुत सारी क्वेरीज आती है पियानो के रिलेटेड, बहुत सारे डाउट्स आते रहते हैं, लेकिन अब आपकी मेहरबानी से चैनल ग्रो हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आपकी कमेंट्स कहीं खो ना जाए, आपके डाउट्स कहीं चैट्स में खो ना जाए, इसलिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है। वहाँ पर जाके आपको बस गूगल फॉर्म फिल करना है, हमें कोई आपका पर्सनल डाटा नहीं चाहिए, आपका नाम नहीं चाहिए, आपका नंबर नहीं चाहिए, हमें बस चाहिए वो है आपके पियानो के डाउट्स, और आपके पियानो के डाउट्स को आप डिटेल में डिस्क्राइब कीजिए वहाँ पे, ताकि हम आपको जो चाहिए, आपको जो सीखना है, हम वो वीडियोस अपलोड कर सके एंड उसके सेपरेट वन अलग अलग वीडियो बना के हम आपको डाउट्स आपके डाउट्स को सॉल्व कर सके। तो मेक श्योर आप गूगल फॉर्म को अपने टाइम में से 5 मिनट निकाल के फिल कर लीजिए। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं अभी। सो फर्स्ट लाइन हियर वी गो। ठीक है, सो यहाँ पे हमने एफ माइनर यूज किया है एंड यहाँ पे जो नोट्स हम यूज करेंगे वो सारे नोट्स यूज करेंगे, एक ऑक्टेव के सारे नोट्स एक्सेप्ट एफ शार्प नोट को छोड़ के हम सारे ऑक्टेव के नोट्स को यूज करेंगे। ठीक है, एफ शार्प एफ माइनर के वैसे नोट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ए भी यूज करेंगे, ई भी यूज करेंगे, डी भी यूज करेंगे। ठीक है, सारे नोट्स यूज करेंगे एक्सेप्ट दिस एफ शार्प नोट। ठीक है, सो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट कर दे। सो फर्स्ट लाइन हियर वी गो। अब सैया में ई जब प्ले करेंगे तब हमें एफ माइनर कॉर्ड प्ले करने जब फिर आए शाम को। देखो यहाँ पे सारे वाइट कीज आए शाम को पूरा होगा। नाउ नेक्स्ट लाइन ठीक है, सो यहाँ पे किया हमने तो लगेंगे फिर से तो लगेंगे चांद मेरे नाम को पूरी ले, दो लाइन सीखेंगे ऐसे अब नेक्स्ट लाइन जो होगी वो होगी सेम ही लाइन है जब को। अब जो नेक्स्ट लाइन होगी वो होगी अब हमने यहां पे ए शार्प नोट को यूज किया, पहले हमने क्या था ये कहता था, अब हम ये करेंगे। ठीक है, सो जो थर्ड लाइन हमने सेम से की वो तो देख लिया, अब जो फोर्थ लाइन जो नेक्स्ट है वो देखते हैं। तो हियर वी गो, सिंपल एफ ई एफ जी जी फिर ए शार्प जी ई एफ ऐसे। ठीक है, तो होगा ठीक है, तो हमने मेन चार लाइन सीख लिए, और फ्रेंड्स अपने टाइम में से सिर्फ 5 मिनट निकालिए, गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। मैं इतना आपको आपके ऊपर एम्फसाइज कर रहा हूँ ये गूगल फॉर्म पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके सारे डाउट्स को मैं अलग से वीडियो बना के सॉल्व करूँ, तो आप डाउट्स को डिटेल में डिस्क्राइब कीजिए, हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो आपका डाउट हो। ठीक है, सो अब नेक्स्ट लाइन पर देखते हैं।
सो नेक्स्ट लाइन होगी हमारी, थोड़ा सा मेजर हो जाएगा सॉन्ग, देखो ऐसे, देखो एफ माइनर से हम एफ कॉर्ड यूज करेंगे, ठीक है। सो यहां पे हमने क्या यूज किया, जी ए, फिर से ओके, यहां तक देख लिया। अब नेक्स्ट होगा, ओके तो यहां पे सी शार्प एंड सी माइनर यूज किया, सिंपल। सो हो गया, हर जलते हुए, देखो हर जलते हुए, और यहां पे कॉर्ड किया हर जलते हुए, ठीक है। और यहां पे कॉर्ड यूज करना सी शार्प मेजर, हर सी शार्प मेजर, फिर इल्जाम को, इल्जाम के लिए कौन से नोट किए, इल्जाम को, ठीक है। तो वो पूरा होगा हर जलते हुए को, ठीक है, यहां तक देख लिया। अब जो सर पे जो ये वाले जैसे मेजर हुआ था वहां से एक बार देख लेते हैं, फिर से यही लाइन रिपीट करनी है, ठीक है। यहाँ पे मुखड़े का पार्ट हमने देख लिया, मुखड़े का पार्ट मूव करने के बाद, खत्म करने के बाद हम मूव करते हैं हमारे अंतरे के पार्ट पे। अंतरे की फर्स्ट लाइन, हियर वी गो, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा हमने ये स्टार्टिंग के जो तीन नोट्स है वो हमने ज्यादा यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इस लाइन को पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि लाइन बड़ी है तो मैं नहीं चाहता कि आपको हार्ड लगे, इसलिए हम जितना हो सके इजी करके पार्ट में डिवाइड करके सीखेंगे। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो मेक श्योर आप पिक सीरीज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपने देख लिया होगा मैं कितना सिंपल करके बता रहा हूँ विद नोटेशंस एंड विद कॉर्ड्स, और नोट्स यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज द मोस्ट सिस्टमैटिक मैनर इन विच यू कैन गेट अ ट्यूटोरियल, ठीक है, पियानो ट्यूटोरियल, ठीक है। सो यहाँ पे ये लाइन को सीख लेते हैं, मुखड़े की अंतरे की फर्स्ट लाइन, ठीक है। हियर वी गो, पहले कितना डिवाइड करेंगे वो चेक कर लेते हैं, इतना, ठीक है। फिर मैं क्या किया, मैंने एफ जी ई ये तीन नोट्स को थ्री टाइम्स रिपीट किया, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, फिर लास्ट एक नोट को प्ले करना है जी, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट नोट पे एक कॉर्ड प्ले कर लेंगे हम, ठीक है, होगा, फिर ठीक है, सिंपल, यहां पे सी पे आ गए, ठीक है, हाई नोट के सी पे जाना, ठीक है, होगा फुरसत मुझको नहीं मिलती, फिर से ठीक है। तो अब नेक्स्ट लाइन जो होगी वो होगी, ठीक है, इसको भी लाइन में पार्ट में डिवाइड करके सीखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो पहले कितना सीखना है, इतना ही सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल चीज करनी है, ये याद रखना है जी ए ए जी, अब इसको कितने बार रिपीट करना है, देखो थ्री टाइम्स इसको भी ऐसे, देखो वन टू थ्री, फिर तीन नोट्स को ऐड करना है वो चुके होंगे जी A and A sharp, तो होगा, बहुत ही सिंपल, ठीक है। थोड़ा सा स्लो करके तीन बार प्ले करना है, फिर आपको कंटिन्यूस प्ले करना है ऐसे। अब नेक्स्ट लाइन होगी,
सिंपल सिंपल तो पूरा जो अंतरे का पार्ट है उसको साथ में देखते हैं, ठीक है? सो हियर वी गो. रिपीट कर सकते हो? ठीक है, यहां तक देख लिया. अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो फिर से ये होगा. ठीक है, ये हमने सीखा हुआ है, ये वाला पार्ट जो हमने पहले सीखा हुआ है वो ही हमें रिपीट करना है यहां पे. और उसके बाद फिर से ठीक है. तो यहाँ तक हमने सारे पार्ट्स को सीख लिया सॉन्ग के, जो सॉन्ग में जितना पार्ट हमें हमने वीडियो में देखा है वो सारे पार्ट्स को हमने सीख लिया है. और अंतरा भी मैंने आपको विद नोटेशन में विद कॉर्ड्स आपको सिखा दिए. तो आप अगर यहाँ तक आ गए हो तो आप प्लीज़ अपने डाउट्स को गूगल फॉर्म की जो लिंक है उसमें फिल करके आपके डाउट्स को क्लियरली डिस्क्राइब कीजिए वहाँ पे, ताकि हम उसके ऊपर सेपरेटली वन बाय वन वीडियो बना सके और आपके डाउट्स को सॉल्व कर सके. हो सकता है कि आपने जो डाउट लिखा है नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट सॉल्व हो जाए. ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना. तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग.